गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 8 का पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है भरत और लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इस पाठ का प्रकार है नाटक। नाटक जो हम पर्दे पर रचते हैं, जो रंगमंच पर किया जाता है, उसे हम नाटक कहते हैं। वहां पे अलग अलग पात्र होते हैं जो अपनी अपनी भूमिकाओं में होते हैं और उस भूमिका के जो भी वाक्य है वो बोलते हैं। तो ये है एक नाटक भरत नाम का। ये है कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। तो राजा लक्ष्मण सिंह थे, उसने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद लिखा है। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। तो ये है एक नाट्यांश है। नाट्यांश यानी जो पूरा नाटक नहीं होता, उसका एक अंश होता है, उसका एक प्रसंग होता है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक शावक के साथ खेल रहा है। सिंह के शावक यानी सिंह के बच्चे के साथ शकुंतला का पुत्र है वो भरत वो खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। तपस्विनियां जो आश्रम में रहकर तप करती है वो। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे है। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकारी से वे खुशी से झूम उठे। तो ये एक प्रसंग है अभिज्ञान शाकुंतल से लिया गया, जो है दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम ने किया था। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे है। राजा दुष्यंत है वो पेड़ की ओट से यानी पेड़ के पीछे से उसे देख रहे है। नाटक शुरू होता है तो एक बालक है वो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई अंदर आती है। बालक, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। सर्वदमन यानी सबका नाश करने वाला। तो बालक है वो बहुत ही जिद्दी है, वो सिंह को कहता है कि मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो तपस्विनी कहती है कि भाई तू पशुओं को इतना कष्ट ना दे, पशु है वो हमें हमारे बच्चों की तरह प्रिय है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, दुष्यंत है वो स्वयं बोलता है, अह क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दुष्यंत उसे देखकर उसे है वो अपना सा लगने लगता है बालक। तो वो खुद से कह रहा है मुझे इस बालक पर इतना प्रेम क्यों आ रहा है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ देगा न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी कहती है कि तू इसी के बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो उसकी माता आएगी और तुझे मार डालेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है कि मुझे कोई सिंहनी का डर नहीं, ऐसे ही मजाक में कहता है कि हाँ हाँ मुझे सिंहनी का डर है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। तो दुष्यंत है वो आश्चर्य से देखता है बालक की ओर, उसे लगता है कि ये कोई वीर तेजस्वी का पुत्र है, इसका मुख है वो बहुत अग्नि के समान है, वो चमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तब तपस्विनी है वो बालक को रिझाने के लिए बोलती है कि तू इसे छोड़ दे, मैं तुझे दूसरा खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, हाथ है वो फैला कर कहता है, पहले खिलौना दो, लाओ कहा है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा इसके
हाथ में के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रहे हैं। तो दुष्यंत है उसकी हथेली देखकर वो कह रहा है ये कोई चक्रवर्तियों के लक्षण है, यानी ये है एक क्षत्रिय है और उसकी उंगलियां भी अद्भुत है और उसकी शोभा है वो कमल से भी अधिक है, वो कोमल है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा जय, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खिलौने में के लिए मिट्टी का मोर है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ। वह जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सी के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। फिर दुष्यंत, आप ही आप। दुष्यंत है वो अंदर ही अंदर बोल रहा है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। तो दुष्यंत है वो मन ही मन बोलता है कि ऐसे पुत्र होते हैं वो उसके पिता कितने धन्य होते हैं जिसके पुत्र उसके पिता की गोद है वो धूल से मेली करते हैं और अकारण ही पिता के सामने हंसते हैं और दांत दिखाते हैं और तुतले वचन में पापा से बातें करते हैं, वो पिता कितने ही खुश नसीब है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता, इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक से हाथ से सी के बच्चे को छुड़ाओ। तपस्विनी कहती है कि तुम बड़ो ही हठी हो और इधर उधर देखती है कि कोई ऋषि कुमार हो तो इस बालक से सी के बच्चे को छुड़ा दे, पर कोई दिखता नहीं। फिर वो दुष्यंत को देखती है और उसको कहती है कि हे महान पुरुष, आप ही कृपा करके इस बालक के हाथ में से सी के बच्चे को छुड़ाए। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन में के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? जिससे तुम्हारे कुल को लाज जाती है, तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सी के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत कहता है कि तुम तो ऋषि कुमार हो और ऋषि कुमार तो पशुओं को है, वो वन के पशुओं को अपने बच्चों के समान मानते हैं, तो तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हारे कुल की लाज जा रही, यानी तुम अपने कुल को लज्जित क्यों कर रहे हो? दुष्यंत को पता नहीं कि ये भरत है वो उसका ही पुत्र है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम है वो यहाँ तक की पढ़ाई करेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे का पाठ सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।